गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके सामने गाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो तहे दिल से क्षमा पहली मांगी। राग तोड़ी से अपने गायन का आरंभ कर रही हूँ। सुबह का राग होता है राग मियाँ की तोड़ी। तोड़ी में दो प्रकार होते हैं, मियाँ की तोड़ी एंड गुजरी तोड़ी। मियाँ की थोड़ी गुजरी थोड़ी से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन बहुत सुंदर गाना है।
चेंज हो चुका है। सास ननंद और सभी घर वालों का ये सपोर्ट होता है कि मुझ जैसी मैरिड वुमन यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है आपके सामने, इसलिए
बहुत बहुत शुक्रिया रसिका जी, बड़े भाव से। और आपने एप्लीकेशन और लगा दी कि बारिश ना हो, मैंने अपने भाव से कहा जरूर है, मगर इसका असर होगा। आज नहीं होगा तो इधर दिन रात होगा, मगर होगा जरूर। कई लोग दिन में आएंगे, शाम को आएंगे, कल सुबह आएंगे। ये सिलसिला मुझे लगता है कल सुबह 6 बजे तक की बात थी, थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, 1-2 घंटे बढ़ सकता है, क्योंकि सुबह 1-2 घंटे बढ़ गए थे। और हमारा वादा है 24 घंटे का, तो वो वादा हमको निभाना है। सरस्वती पूजन से होती है और आज का ये मंच शोभायमान हुआ है माननीय विदुषी श्रीमती शोभा चौधरी इनके द्वारा। तो आइए, इंदौर शहर में विश्व संगीत दिवस के सेलिब्रेशन करने का ये मंच पूरी तरह तैयार है। सरस्वती पूजन और स्वर अर्पण दोनों शुरुआत हो चुके हैं। जोरदार तालियों से ताई का स्वागत कीजिए। मातेश्वरी, परमेश्वरी, सुरेश्वरी के सामने दीप प्रज्वलन के बाद बंदिश भी मैं उठी के ले रही हूँ।
Let it
शरणागति मेरे सकल पाप विचार। तो गुरुमूर्ति मुख चंद्रमान सेवक नैन चकोर मैं अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। क्यों क्योंकि सात दीप नौ खंड मेरे सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा न को हर करता तो कछु कर न सके और गुरु करे सो। क्यों जिन्होंने गुरु की सेवा को समझा वो ही उनको शंकर चेतना को अपने आप को पहचान पाए। इसलिए यूं कहा समझ कर ध्यावे समझ कर ध्यावे अरु नर चतुर सजान उलटावे अरु नर चतुर सुजान मन उलटावे। अरे वह गुरु की सेन समझ कर ध्यावे समझ कर ध्यावे सुजान मन उलटावे वो नर संत सुजान मन उलटावे। अरे गुरु सरी का देव मेरे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे गुरु काटे भरम वाली चाल जीव सुख पावे। इसलिए इस गुरु की सेवा के द्वारा हम अपने निज घर को जो सबका एक है वहां पर धर्म का जाति का मजहब का मतलब का कोई काम नहीं है। उस निज घर में जब अपने मन को लाएंगे तब उस सुख को उस शांति को उस आनंद को पा सकेंगे। इसलिए आगे यूं कहा हम सबका निज घर क्या है आज योग दिवस भी और वो योग के द्वारा भी होता है। इसलिए आगे अरे पिंगला पिंगला नार सुषमणा को ध्यावे सुषमणा को ध्यावे अरद उरद का बीच मन ठहरावे हाँ आरा उरद का बीच मन ठहरावे।
जरिए जो अखंड रूप से प्रवाहित सब इंसान के अंदर एक धूम हो रही है, एक चैतन्यमय सत्ता मौजूद है, वो कभी अखंडित है, वो खंडित नहीं होती, उसे धर्मों में नहीं बांटा जा सकता, उसे जाति पाति में नहीं बांटा जा सकता, उसे ऊंच नीच में बांटा नहीं जा सकता, और वो सबके पास है। इसलिए संतों ने आगे यूं कहा, सकल ब्रह्म के माही वेद यूं गावे गावे अरे वो है अखंडी नाथ चराचर ध्यावे सकल ब्रह्म के माही वेद यूं गावे आ सकल ब्रह्म के माही वेद यूं गावे गावे ओके
कबीर कहते हैं, इसलिए इस मन को उधर से पलट करके इधर लाने का प्रयास करें, और वो इधर लाने का प्रयास आज कहीं कहीं योग दिवस के माध्यम से, साधना के माध्यम से होता है। इसलिए कहा ओ क्या बोले मन, क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ